हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत मुश्किल काम है और मुश्किल केस रहते हैं ये भैंस में लाल पेशाब। बहुत ही क्रिटिकल केस हैं, सब लोग इससे डरते हैं, लेकिन वही मेरा टॉपिक फेवरेट है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगा और आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी इसको लेके। इसका इलाज बहुत ही आसान है, जितना लोगों ने बना रखा है इसको कि लाल पेशाब तो भैंस मर गई, लेकिन बिल्कुल नहीं मरती हैं, 100% इसमें सुधरती हैं। बस आपको पहचानना है। अब इसको कैसे पहचानें, इसके लिए क्या लक्षण होते हैं और किस में ये होती है और किस समय होती हैं, यह बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। पहले तो ये दो प्रकार की होती हैं लाल पेशाब, उस पर अलग अलग बात करेंगे अपन। एक वीडियो दूसरी आएगी इसकी, जो प्रोटोजोआ के कारण होगी, बेबेशिया के कारण होगी, उसका हम अलग से पढ़ाएंगे। केवल हम यहाँ पे बात करेंगे लाल पेशाब, उसका जो कारण रहेगा वो हाइपोफॉस्फेटेमिया, मतलब फास्फोरस की कमी के कारण। ये प्री पार्चुरेन पोस्ट दोनों हो सकता है। प्री पार्चुरेन इसको बोलते हैं PPH, या एक जो होगा वो पोस्ट पार्चुरेन हाइपोफॉस्फेटेमिया, मतलब जब भैंस गाभिन होती है उस समय होता है प्री पार्चुरेन हाइपोफॉस्फेटेमिया, और जब गाभिन होके बच्चा दे देती हैं, बच्चा देने के बाद अगर लाल पेशाब लगती हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट पार्चुरेन हाइपोफॉस्फेटेमिया। बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें कि स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एक पहले और एक बच्चा देने के बाद, यही है दो प्रकार का। उसमें पहला जो प्रकार है वो थोड़ा घातक होता है। घातक इसलिए होता है कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी पशु में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे भैंस है, उसका भैंस के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसके डेवलप पशु का जो बछड़ा है उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों को रिक्वायरमेंट पूर्ति करने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, और जब फास्फोरस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है शरीर में तो एनर्जी का सोर्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उस पर पशु बहुत ही दिक्कत होती है। और दूसरी बात होती है कि जो फास्फोरस तत्व होता है, इसका जो मेन रोल होता है वो जो RBC है, RBC इसकी जो परत रहती है वो परत को बनाए रखने में फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। अब जब फास्फोरस ख़त्म हो जाता है, जो ये RBC है वो टूट जाती है, और टूट के जब ये ब्लड में रहती हैं और ये जब किडनी में छनती हैं, खून का किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, और ये फिल्ट्रेशन होता है तो जो पेशाब में है वो लालपन दिखता है। अब कुछ लोग लाल सामान्य मान लेते हैं, पर लाल कहना नहीं चाहिए इसको, बिल्कुल काला जो पेशाब होता है, काले कलर का कॉफ़ी जैसा, वो है वास्तव में हाइपोफॉस्फेटेमिया। रेड यूरिन तो अलग चीज़ है, इसमें शब्द दे दिया लाल पेशाब, लेकिन इसको एकदम ये समझे कि कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी या फिर जो बिना चाय की, ये बिना दूध की चाय, उस टाइप का जो पेशाब आता है वो PPH है। अच्छा, इसकी पहचान बहुत ही आसान है कि PPH कैसे पहचानोगे। PPH एक ही है, PPH और एक बेबेशिया के कारण जो होता है रेड यूरिन, दोनों में एक ही सिम्टम बहुत आसानी से कोई भी पहचान लेगा, वो क्या है बताओ। जो बेबेशिया होता है उसमें बुखार रहता है। अपन बेसिक डिफरेंस जो बेबेशिया और फास्फोरस की डिफिशेंसी के कारण जो रेड यूरिन होती है उसका आसान है बहुत। फास्फोरस की जो कमी के कारण अगर हुआ है तो भैंस बिल्कुल खाना खाएगी और अच्छे से खाएगी, ऐसा लगेगा कि ये बीमार नहीं है, केवल इसकी पेशाब खराब हो गई, बस ये बेसिक फंडा है, यही समझो। लेकिन अगर खाना पीना बंद कर दिया और बुखार है उसको, तो फिर आप उसको भूल जाओ, वो क्या है हाइपोफॉस्फेटेमिया न होके बेबेशिया के कारण है या कोई अन्य प्रोटोजोअल डिसीज है। अब इसको पहचान लिया आपने तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। एक तो पशु गाभिन है या दूध दे रहा है, एक हिस्ट्री ये आएगी बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी हिस्ट्री आएगी पशु को बुखार, और तीसरी आएगी इसमें खाना पीना खा रहा कि नहीं खा रहा, ये तीन चीज़ें देख लोगे
तो आपको बिल्कुल दूर से पता चल जाएगा कि ये कौन सा तत्वों की कमी के कारण है या व्यवसाय के कारण है, ये पहचान जाओगे आप आसानी से, बिल्कुल कोई भी बता देगा। अच्छा, एक और इसमें हिस्ट्री जो है, पशु की हिस्ट्री या जानने की कोशिश करेंगे तो हमको पूछना बहुत जरूरी है, क्या है, चारा कौन सा खिलाते हैं। अगर चारा जो है मसूर का खिलाते हैं तो बहुत प्रोबेबिलिटी रहती कि ये पोस्टपार्चन हाइपोफास्फेटी में होता है, तो ये हिस्ट्री में आना जरूरी है और ले। अब दूसरी जो चीज़ें क्या पूछना उनसे कि ये जो बीमारी है वो कितने दिन हो गई है, कितने दिन हो गए हैं वो पूछना जरूरी है। ये बहुत पुरानी भी हो सकती है, 4-5 दिन 6 दिन की भी हो सकती है या ताज़ा भी हो सकती है। अब ओनर ने तो जैसे मान लो आज देखा है और बोल दिया कि नहीं मैंने तो आज देखा है और ये आज की है, तो आपको कैसे पता करोगे ये आज की है या पुरानी है। तो उसके लिए आप उसका गोबर जो है, गोबर देखना, अगर गोबर अगर इकट्ठा हो गया है, उसमें टाइटनेस आ गया है, गोबर करने में दिक्कत आ रहा है, तो ये 3 से 4 दिन पुराना हो गया। फिर उसकी आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे तो पीली दिखेगी, एकदम पीलिया हो गया पशु को ऐसा, तो वो 5-6 दिन का होगा। तीसरी, जो सांस लेगा पशु वो बहुत जोर जोर से लेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी ज़्यादा, तो समझ जाओगे 4 दिन या 5 दिन हो गए हैं। चौथा और पहचान, खाना पीना छोड़ चुका होगा और रेड यूरिन है और गाभिन पशु हैं, तो ये हो गया 4 या 5 दिन हो गए, बिल्कुल उसने इलाज नहीं करवाया है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं, नोट डाउन कर लूँ, समझ गए। पहला हिस्ट्री में क्या लेना है, चारा खा रहे कि नहीं। दूसरा, गाभिन है या नहीं। तीसरा, चारा हो गया, गाभिन हो गए, मसूर का चारा दे रहे कि नहीं। चौथा, गोबर कैसा है। पांचवा, सांस कैसी चल रही है उसकी। सांस के बाद में बुखार, छठा है, बुखार तो नहीं है, क्योंकि जब 5वां दिन रहता है या पशु जब ज़्यादा ही दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो 5वें 6वें दिन उसको बुखार आ जाता है, ये चीज़ देखना है आपको, उससे ही पहचान होगी। अब आप बोलोगे कि बुखार है तो ये लगेगा आपको कि ये तो उसके कारण है, बेवश्य हो सकता है, लेकिन इसमें बुखार उतना नहीं रहेगा, बुखार मैक्सिमम जाएगा 104 डिग्री, 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा लगभग, ऊपर गया तो फिर आप बेवश्या की तरफ चले जाओ। और दूसरा क्या है, इसमें जो पशु होगा वो गाभिन होगा या फिर तुरंत, मतलब पास रिसेंट पार्चुरन जिसको बोलते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं हुए जने हुए को, ये पशु होगा, तो आप सीधे पहचान जाओगे ये कौन सा है, हाइपो फास्फेटेमिया है, फास्फोरस की कमी है बस, और फास्फोरस के तत्वों की कमी है, तो आपका इलाज बिल्कुल आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, पहचान ही इसका इलाज है। अगर आपने पहचान लिया तो आप आँख बंद करके इसका इलाज करो, इसका एक ही इलाज है, फास्फोरस की पूर्ति कर दो, अपने आप सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग दुनिया भर की दवाई बताएंगे, बहुत सारे लोग दुनिया भर की दवाई लगा के जाते हैं और उसके कारण पशु खाना पीना बंद कर देता है और उसका सही इलाज नहीं मिलता, हर रोज़ दूसरा डॉक्टर चेंज होता रहता है और ये पशु बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो आपने पहचान कर ली है, कारण पता चल गया, अब आपको सिंपल क्या करना है, इलाज। ट्रीटमेंट क्या दोगे बताओ, फास्फोरस की पूर्ति करना बस, एक ही दिमाग। अब इलाज चालू करने से पहले उसको जो हितग्राही है उसको समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इलाज तुम्हारा फेल है। कैसे फेल है, पहले दिन तो सुधरना नहीं है, है ना, सुधर जाएगी, कौन सी वाली सुधरेगी, जो बच्चा दे चुकी होगी वो एक दिन में या 2 दिन में सुधर जाएगी, लेकिन जिसके पेट में बच्चा है, गाभिन है, वो बिल्कुल नहीं सुधरेगी, उसके लिए करीब 5वां दिन 5 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा,
पाँच दिन तो कम से कम तीन दिन तक आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर ये पशु सुधरेगा। तो उससे पहले तो बिल्कुल नहीं सुधरेगा ये। अब इसके लिए क्या है, जो फास्फोरस है वो बहुत ही हाई डोज में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोफास्फेटिमिया में फास्फोरस खत्म है। अब फास्फोरस का अगर नॉर्मल डोज देखा जाए तो भैंस बड़ी है, 3 क्विंटल से 4 क्विंटल की हैं, तो उसको नॉर्मल 10 से 20 ml तक देते हैं नॉर्मल डोज। रिकमेंडेड डोज भी कंपनियां इतना ही करती हैं, 10 से 20 ml। अगर आप 10 से 20 ml दोगे तो इसको देते रहो आप, इसकी पूर्ति नहीं होगी। कोई चीज़ हाइपो हो जाती तो उसको फिर बहुत हाई डोज में देना पड़ता है। तो आप इसको फास्फोरस इंजेक्शन कोई भी कंपनी का जो इलाज है वो बहुत ही आसान है और आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कोई दवाई नहीं है इसमें कि रिएक्शन कर जाए, केवल मल्टीविटामिन टाइप से ही है सब। जैसे फास्फोरस की कमी हो जाती है इंजेक्शन है फास्फोरस के, बहुत सारी कंपनी के आते हैं फास्फोरस के इंजेक्शन, आप कोई भी चूज करके लगा सकते हैं। फास्फोरस का जो सामान्य डोज होगा वो 40 ml IV देना और उसी में 20 ml IM और 20 ml सब कर देना, ये पूर्ति हो जाएगी। ये दिन में 2 बार देना है, सुबह शाम 3 दिन तक, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इसी से सुधरेगा। मेन ड्रग आपका ये है, आपके पास इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये दवाई देनी पड़ेगी जिससे पशु आपका सुधर जाएगा। दूसरा है रूमेरिक इंजेक्शन है, ये रूमन जो है पेट के मूवमेंट बढ़ाने के लिए और डाइजेशन अच्छा रखने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, ये केवल दिन में 1 बार देना है 3 दिन तक। दूसरा है कोई एलर्जी या CPN जो नॉर्मल इंजेक्शन है, सांस लेने में कोई समस्या, क्योंकि सांस की दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है कम होता है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा सांस की दिक्कत होती है, तो उसके लिए अपन CPN देते हैं। और जैसे खून टूट जाता है तो खून को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आयरन की जरूरत पड़ती है, तो आयरन के लिए अपन फेरिटास इंजेक्शन 5 ml 1 बार लगा देते हैं। उसके बाद फेरिटास बोलर जो आते हैं वो खून बढ़ाने के लिए देंगे, डेली इंजेक्शन नहीं देंगे। ओरल ट्रीटमेंट जो हितग्राही को या पशुपालक को अपने को लिख के देना है और उसको अपन ने समझा रखा कि ये 5 दिन बाद ही आपका पशु सही होगा, इस दौरान इसके अतिरिक्त तो कोई भी इलाज करना है ना, ज़्यादा कुछ नहीं देना, ना तो एंटीबायोटिक का यूज करना है और ना ही पेन किलर वगैरह का यूज करना है, क्योंकि वो ऑफ फिट करवाते हैं। अब जैसे आपने पहले दिन टोनोफास्फोन लगाया हाई डोज में, अब सबसे पहले आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है। क्या आएगी कि हितग्राही जो है पशुपालक बोलेगा आपने इलाज करा और हमारा पशु खाना पीना बंद कर दिया है, उसको बोल देना कोई जरूरत नहीं, वो घबराने की कोई जरूरत नहीं, खाएगा अच्छा होगा। इंजेक्शन ऐसे कोई नहीं दिए हैं कि जो नुकसान करते हैं, और उसको बोल दे कि 3-4 दिन लगेंगे जब भी हम इलाज करेंगे, तो आप बोलोगे एक बार में रामबाण दवाई दे दो और सुधर जाए, ऐसा इसमें नहीं होता है। अगर आपका पशु बच्चा दे चुका होता और दूध देता तो 1-2 डोज में आपका कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये जो प्रीपार्चुरन है इसमें टाइम लगेगा। तो ये हितग्राही को बिल्कुल स्पष्ट समझाने वाली बीमारी है, अगर वो मानता है तो इलाज करने में आपको भी मजा आएंगे और पशु भी अच्छे से सुधरेगा। अब आपने जैसे इंजेक्शन लगा दिए, अब इंजेक्शन लगा दिए उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन इस डिसीज में आता है समय समय पर, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आता है कि उसका गोबर जो है बिल्कुल टाइट हो जाता है, निकालने में दिक्कत होती है। तो आपका पहला सिद्धांत जो था इंजेक्शन लगाना फास्फोरस की पूर्ति करना, दूसरा आपका सिद्धांत इसमें रहेगा गोबर जो है उसको आप ढीला रखें, अगर उसको टाइट नहीं होने दें तो आप सक्सेस 100% होंगे। अब गोबर ढीला रखने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक बोलस आएगा रूमी बायन का या कोई भी रोमन टॉनिक जो बोलस आते हैं वो आप दे सकते हैं, 2 बोलस सुबह शाम 3 दिन तक दिलवाएं। एक पाउडर आता है रूमी केयर का, इसके समानांतर बहुत सारे पाउडर आते हैं, वो भी आप रोमन टॉनिक पाउडर जो होते हैं वो भी 100 ग्राम 3 दिन तक आप दिला सकते हैं। एक पाउडर फास्फोरस का पाउडर आता है, इसको आप 50 ग्राम सुबह शाम 3 दिन तक या जब तक सुधरे नहीं जब तक आप दिला सकते हैं। उसके साथ खून की कमी की पूर्ति करने के लिए एक बार आपने आयरन का इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाने के बाद आप फेरिटास का जो बोलस है
वो दो बॉलर्स डेली 7-8 दिन तक आप खिलाएं, और एक सस्पेंशन आता है सार्कोफेरॉल वर्लीफेरॉल जिसमें आयरन प्रिपरेशन होते हैं, ये आप खून बढ़ाने के लिए भी 50 ग्राम डेली 7-8 दिन तक दे सकते हैं। अच्छा, ये देने के साथ आप इंजेक्शन लगाओगे तो आपकी मेन समस्या आने वाली थी जो गोबर टाइट होने वाला था वो बिल्कुल नहीं होगा, पशु बहुत अच्छे से सुधर जाएगा। अब एक दिक्कत और आती है इसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो टूट जाता है, आरबीसी बिल्कुल रप्चर हो जाती है, और आरबीसी रप्चर हो जाती तो आरबीसी का काम क्या रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना रहता है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई करना रहता तो पशु को तो ऑक्सीजन मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो फिटस है बछड़ा है वो बछड़ा पेट में रहता है तो उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलती है, स्ट्रेस में पशु चले जाते हैं, तो बच्चा फेंकने की बहुत समस्या होती है, पशु बच्चा बिल्कुल फेंक सकता है कभी भी। तो ये अपना इलाज जिसका पशुपालक को कर रहे हो उसको ये समझा दें कि बच्चा कभी भी इसका है ना पशु फेंक सकता है। उसके लिए इंजेक्शन आते हैं तो वो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन आप लगाना जरूरी है, तो उस इंजेक्शन का नाम बता देता हूं मैं आपको, बच्चा फेंकने की जो समस्या रहती है उसको बचाने के लिए आपको एक और इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो है ड्यूरा प्रोजेनन, इसमें रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और आपको 30 ml एक बार लगाना है। अगर पशु 6-7 दिन तक सुधरने में टाइम लेता है तो आपको एक इंजेक्शन बीच में और देने की जरूरत पड़ेगी लगभग 5वें दिन, तो आप इसको जरूर दें, इसको नहीं भूलना है, ताकि बच्चा भी बचा रहे और पशु भी सुधर जाए। तो क्या होता है कि बच्चा फेंक देता पशु सुधर जाता है, तो उसके साथ एक ही इंजेक्शन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए लगाएं। अगर पशु जो है वो बच्चा दे चुका है दुधारू स्टेज में है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें हितग्राही आपको या पशुपालक जो पूछता है कि हम इसको क्या खिलाएं, तो सीधा सा है बोला आपको कुछ नहीं खिलाना है, केवल हरा चारा खिलाना है, सूखा नहीं खिलाना है। क्यों नहीं खिलाना है, सूखा खाएगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो ऐसे ही आपको पशु नहीं सुधरेगा, हरा खाएगी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, दूसरा है इसमें पानी बहुत कम पीता है पशु तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो हरे से कम उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसको यही ध्यान रखना है आपको कि सूखा नहीं खिलाएं, हरा ही खिलाएं। कुछ लोग क्या करते देसी इलाज, इसमें देसी इलाज क्या खिलाते हैं, धनिया, धनिया वगैरह खिलाते हैं, 1 किलो लगभग खिला सकते दे दे हरा धनिया, बाकी देसी इलाज इसमें ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फास्फोरस की कमी होती है तो आप सीधा फास्फोरस दे, देसी इलाज की तरफ ज्यादा नहीं जाए, गुड़ वगैरह दे सकते हैं, लेकिन गाभिन पशु है तो अगर गुड़ देंगे तो उसमें बच्चा फेंकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एनर्जी के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात है जो नहीं करना है, बाकी बहुत सारे लोग वही करते हैं, जो ड्रिप है ड्रिप आईवी करते हैं, ये बिल्कुल ना करें। ड्रिप क्यों नहीं करें, बिल्कुल नहीं लगाएं ड्रिप, उसका नहीं लगाने का क्या है कि ब्लड ऐसा ही हीमोग्लोबिन नहीं होता है, अगर आपने हीमोग्लोबिन कम हो रखा पशु का और आपने ड्रिप चढ़ा दी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन और डाउन हो जाएगा और उसको पशु को ऑक्सीजन उसके टिश्यू को बिल्कुल नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे और पशु बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आप इसमें ड्रिप बिल्कुल ही न दें, और दे तो अगर जरूरत पड़ती है तो कैसे देना है, ओरल जो आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वो यूज करें, ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी यूज करें, लेकिन हीमोग्लोबिन चेक करने के बाद आप दे सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि जैसे अपने स्टेज 1 या 2 दिन इलाज कर दिया अपन ने, फिर अपने को पशु की एनर्जी डाउन हो गई है तो आप हीमोग्लोबिन जांच करवा लें, अगर 5 या 6 के लगभग हीमोग्लोबिन है तो स्लो स्लो एक एक बॉटल आप 25% डेस्ट्रोज की चढ़ा सकते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ, अब हीमोग्लोबिन कम कैसे पहचाने हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है कि हीमोग्लोबिन कम है तो कैसे पहचाने, जब आईवी लगाएंगे तो हाथ में ब्लड आता है या हाथ में जो ब्लड लगेगा एकदम पानी जैसा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल पानी जैसा है,
तो वो हीमोग्लोबिन बहुत कम है, उसको पहचान जाए। तो उस स्थिति में आपको बाटल नहीं लगाना है और सीधा आपको बोल दो कि ये बाटल नहीं लगेगी, बाटल लगेगी तो इसका नुकसान हो सकता है। तो यही ध्यान रखना है और मेरे ख्याल से सभी समझ में आ गया होगा। आया बढ़िया है, मजा आया, बिल्कुल इसका ध्यान रखें। और बहुत अच्छी आज की क्लास है, इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। अगला जो टॉपिक रहेगा वो आएगा रेड यूरिन प्रोटोजोन्स डीसी बेबेशिया के कारण, वो एक पार्ट लेंगे। और वो ज़्यादातर जो क्रॉस ब्रिड्स काऊ होती हैं उसमें होता है, बफेलो में कम ही मात्रा में मिलता है, वो कहीं कहीं जगह कुछ कुछ एरिया में मिलता है। तो वो अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। और इसको बिल्कुल आसान है, और पशुपालक में जो डर है कि लाल पेशाब से मर जाती है वैसे, वो डर आपको खत्म करना है। तो इसके लिए आपको पशुपालक की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। भैया ये लाल पेशाब है और ये फास्फोरस की कमी है, इसमें कुछ नहीं है, आप घबराओ मत, फास्फोरस की कमी हम ऐसे ही पूर्ति कर देंगे, एक दो इंजेक्शन लगाएंगे आपके फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चार पाँच दिन में रिजल्ट आएगा, और इसको प्रॉपर जब ट्रीटमेंट करें तो इसका बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।